भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को भगवान टॉकी चौराहा से भव्य भगवान परशुराम कुटुंब यात्रा निकाली गई। कुटुंब यात्रा का एमजी रोड पर विभिन्न स्थानों पर विप्र बंधुओं ने गमजोशी के साथ स्वागत किया। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को भगवान टॉकी चौराहा से भव्य भगवान परशुराम कुटुंब यात्रा निकाली गई। कुटुंब यात्रा में शहर भर से सैकड़ों की संख्या में विप्र बंधुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान परशुराम कुटुंब यात्रा में शामिल वरिष्ठ समाज सेवी राहुल चतुर्वेदी ने बताया कि इस यात्रा का मकसद शहर में विप्र बंधुओं को एक सूत्र में बांधना है। यात्रा में कोई पदाधिकारी नहीं है, यह समाज की यात्रा है। भगवान परशुराम जी की कुटुंब यात्रा एमजी रोड पर आप देख रहे हैं, लगातार संख्या बल में बढ़ोतरी हो रही है। गाँव देहात के सभी लोग एकत्रित होकर टोलियों में, गाड़ियों में, अपने वाहनों से लगातार एमजी रोड पर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। इतना लंबा रूट, इतनी भीषण गर्मी, 28 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद मैं आज के दिन केवल एक ही संदेश देना चाहता हूं कि सभी बंधु आज शपथ लें और कसम खाएं कि एक पेड़ अपने घर के आगे जरूर लगाएंगे और उस पेड़ को पाल पोस कर बच्चे की तरह बड़ा करेंगे, ताकि तापमान में जो लगातार बढ़ावट आती जा रही है, इससे जनजीवन स्वस्थ रहे और एक पेड़ पता नहीं कितने लोगों को जीवन देने का काम करेगा। भगवान परशुराम जी कुटुंब यात्रा में आप सभी लोग स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही में इस यात्रा का उद्देश्य है कि सभी लोग दिन में 364 दिन आप लोग अपना समय दीजिए, लेकिन एक दिन के लिए कम से कम 3 घंटे के लिए आप लोग इस यात्रा में सम्मिलित हों। आज श्री भगवान परशुराम कुटुंब यात्रा पिछली बार की भांति भगवान टॉकी चौराहे से शुरू हुई है। हर चौराहे पर स्वागत द्वार बनाए हुए हैं, महर्षि महर्षियों के द्वार बनाए हुए हैं। जो हमारे परशुराम जी बाबा हैं, वो सबकी कल्याण की भावना के साथ सब पे आशीर्वाद बनाते हुए आज एमजी रोड आप देख रहे हैं पूरी तरह चौक हो गया है। भगवान टॉकी चौराहा से शुरू हुई कुटुंब यात्रा का स्वागत पीएल पैलेस होटल पर होटल उद्यमी पीएल शर्मा ने गर्मजोशी से किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह की यात्रा से समाज के लोगों में आपसी सामंजस्य अच्छा होता है। भगवान परशुराम हमारे आदर्श और पूजनीय थे। आज परशुराम शोभा यात्रा निकल रही है, उसका यहाँ पीएल प्लेस में स्वागत किया जा रहा है और चटा जलपान की व्यवस्था की गई है, तो सारे बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान परशुराम कुटुंब यात्रा का संदेश है कि पूरे के पूरे परिवार एक साथ जुड़ कर के आज आगे आए हैं, तो भगवान परशुराम के नाम पर सब एक हो रहे हैं, ताकत हो रही है जो दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सफलतापूर्वक परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आज शोभा यात्रा जो निकल रही है और इतनी भव्य शोभा यात्रा, आज हर ब्राह्मण बिल्कुल भगवान परशुराम के आशीर्वाद से सड़कों पर निकला है और एक बहुत बढ़िया यात्रा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया देखिए, समाज के सब लोग निकल रहे हैं, रास्ता पवित्र करते हुए निकल रहे हैं। ब्राह्मण जब निकलेंगे तो रास्ता पवित्र करते हुए जाएंगे, पुष्प वर्षा करते हुए जाएंगे। आगरा की लाइफ लाइन पे आज पुष्प वर्षा, और ये एक तरीके से अब ये समझ लीजिए आज इतने विप्रों के निकलने से ये मान के चलिए कि रास्ता पवित्र हो जाएगा। भगवान परशुराम कुटुंब यात्रा है, ये ब्राह्मण समाज ने समझिए मिलकर निकाली है आगरा में। ये द्वितीय है, पिछले साल से शुरुआत की और हम लोग आप लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर छुट्टी की मांग करते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की तथा भगवान श्री राम की जन्मोत्सव की छुट्टी होती है, उसे भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर छुट्टी प्रदान की। भगवान टॉकीज से शुरू हुई भगवान परशुराम कुटुंब यात्रा शहर भर में भ्रमण करते हुए प्रतापपुरा क्षेत्र स्थित लारिज होटल पर समाप्त हुई। अजय बहादुर, सी न्यूज, आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।